हाँ इधर से चलो। अरे पीछे से हट जाओ भाई साहब। साइड हुई आप लोग, साइड हुई, रास्ता दीजिए। जैन साधवी है। और ऐसे भी जब हम लोग ऐसा सोचा कि गांव देश प्रदेश के अंदर नाम सुना था कि भाई अजमेर के अंदर एक ऐसा स्थान है दरगाह जहां पर देश प्रदेश से सब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, तो हमने सोचा कि चलो हम भी ये लीला को देख करके आए करके। जब यहां पर आए और आप लोगों की सभ्यता और आप लोगों का जो विनय नम्रता, साधु साध्वी को किस प्रकार से अंदर लाना और क्या करना, ये सब देख करके हमको बड़ा आनंद आया और बहुत खुशी हो गई। और ये दर्शन कर करके, ये स्थान सभी देख करके बड़ा आनंद आया कि ये स्थान एक पवित्र है, पावन है। और क्या है कि जो सभी लोग यहाँ पर दर्शन करके जो अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, तो उनकी मनोकामना जो पूर्ण हो रही है, तो हमारा वही एक संदेश है। क्योंकि हम अहिंसा परमो धर्मों को क्या है कि मानने वाले एक जैन साध्विया होते हुए भी ये आपका रमणीय स्थान देखने का भाव हुआ और हम लोग यहाँ पर आए। परंतु वास्तव में ऐसा लगा कि ये भी कोई एक भगवान का स्थान है करके, और आप लोगों को देख करके बड़ा आनंद आया। आपका आपका नाम बता दीजिए। हाँ, हमारा नाम है चंदन बालाजी पद्मावती जी, जैन साध्वी चंदन बालाजी पद्मावती जी।